नमस्कार, आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। ये वाला जो वीकेंड अभी निकला है वो टीवी के लिए बहुत ही सनसनीखेज रहा। एक तरफ मशहूर फिल्म राइटर और सलमान खान के पापा सलीम खान ने द कपिल शर्मा शो में मजमा लूट लिया, और दूसरी तरफ दूसरे शो में इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने सुर्खियां बटोर ली। करण जौहर के सेलिब्रिटी चैट शो कॉफी विद करण के 12वें सीजन के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई क्रिकेटर उस शो पर पहुंचा। एक नहीं दो दो, एक क्रिकेटर थे हार्दिक पांड्या और दूसरे केएल राहुल। इन दोनों में हुई बातचीत, जो करण जौहर से इनकी बातचीत हुई, वो काफी चर्चा का टॉपिक बनी हुई है। राहुल को सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उनके बुरे प्रदर्शन के लिए कोसा गया, लेकिन हार्दिक पांड्या वाला मामला गंभीर हो गया है। शो में हार्दिक ने ये बताया कि वो महिलाओं को कैसे ट्रीट करते हैं, उस पर हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। हार्दिक ने करण जौहर के साथ एक बातचीत में बताया कि उनकी फैमिली सेक्स जैसी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कूल है, यहाँ तक कि वो अपनी सेक्स लाइफ अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हार्दिक के शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने कहा था कि मैं जाके बता देता हूँ कि मैं करके आया हूँ आज। साथ ही हार्दिक ने यह भी बताया कि वो जब उनकी फैमिली के साथ किसी फंक्शन में जाते हैं तो उनके पापा वहाँ लड़कियों को देखकर पूछते हैं उनसे कि किस किस के साथ हार्दिक का कनेक्शन रह चुका है। जब हार्दिक गिनकर बता देते हैं तो उनके पापा कहते हैं प्राउड ऑफ यू बेटा, मतलब बेटा हमें तुम पर फक्र है। इसी बात पर टिप्पणी करते हुए राहुल ने कहा कि हार्दिक की फैमिली सच में बहुत ही कूल है, लेकिन सोशल मीडिया वाली जनता इसे काफ़ी अनकूल और बेवकूफाना मान रही है। इस बात को लेकर हार्दिक की सोशल मीडिया पर लगातार खिंचाई हो रही है। दूसरी बात फिर क्या हुई कि करण जौहर ने सवाल पूछा राहुल और हार्दिक में से चीयर लीडर्स की वजह से फील्ड पर किसका ध्यान भंग होता है। हार्दिक ने कहा कि किसी का नहीं, लेकिन राहुल ने इसमें पांड्या का नाम ले लिया। पांड्या ने फटाक से जवाब देते हुए कहा कि वो सब पुरानी बातें हैं, अब तो चीयर लीडर्स से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते वो। इस पर राहुल ने कहा कि अब हार्दिक हो भी कैसे सकते हैं, सबके साथ तो उनके संबंध हैं। उनके इस बयान को हम इससे ज़्यादा डिटेल में आपको बता नहीं सकते। फिर बात शुरू हुई कि ये दोनों क्रिकेटर्स किसी भी लड़की में सबसे पहले क्या देखते हैं। राहुल ने स्माइल कहा, वहाँ पांड्या ने जवाब दिया कि लड़की की शेप और मूवमेंट देखते हैं। पांड्या ने बताया कि वो लड़कियों से बातचीत करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, बस उन्हें देखते रहते हैं और ऑब्जर्व करते हैं, उनकी शेप और उनके मूव्स देखते हैं। इससे उनका क्या मतलब था ये तो पांड्या खुद ही बता सकते हैं। पिकअप लाइन, मतलब लड़कियों से बात शुरू करने के लिए कौन सी लाइन इस्तेमाल करते हैं, जब ये पूछा गया तो इस सवाल के जवाब में पांड्या ने एक डबल मीनिंग और फूहड़ बात कही। इन सब चीजों के चलते हार्दिक को क्रिटिसाइज किया जा रहा है जमकर। इस मामले में बीसीसीआई ने दोनों क्रिकेटर्स को नोटिस भी भेज दिया है। मतलब करण जौहर के शो पर इन क्रिकेटर्स द्वारा महिलाओं के ऊपर की गई टिप्पणी का मामला अब बड़ा होता दिख रहा है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इन क्रिकेटर्स को शो कॉज यानी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीसीसीआई नॉन क्रिकेटिंग शोज पर क्रिकेटर्स के जाने पर रोक लगा सकती है, लेकिन जैसा आपने सुना कि अभी ये सिर्फ कहा जा रहा है। हालांकि इसके बाद पांड्या ने 9 जनवरी बुधवार की सुबह एक ट्वीट किया जिसमें वो अपने किए और कहे के लिए माफ़ी मांग रहे थे। देखिए वो ट्वीट ये रहा। इस ट्वीट में हार्दिक कह रहे हैं, कॉफ़ी विद करण पर मेरे कमेंट से जिस किसी की भी भावनाएं आहत हुई हैं मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। ईमानदारी से कहूं तो उस शो के नेचर के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही कैरिड अवे हो गया, यानी भावनाओं में बह गया। मैं किसी भी तरह से किसी का भी असम्मान या उन्हें आहत नहीं करना चाहता था। तो ये है पूरा मामला जो पांड्या के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहा है, उनकी जमकर क्रिटिसिज्म हो रही है। अब देखते हैं कि इसके आगे हमारा क्रिकेट बोर्ड क्या कहता है और जो वो कह रहे हैं वो होता है या नहीं, सारी बातें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी अगर आप हमारे पेज को फेसबुक पर लाइक करेंगे, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं इसे तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और अगर एक स्मार्टफोन यूज़र हैं तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन बराबर पहुँचती है। थैंक यू सो मच।